आप लोग सॉलिड स्टेट बनाना शुरू करिए। तीन चार क्वेश्चन आपको मिलर इंडिसेस के हैं, उसके अलावा सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप बनाना शुरू करिए, सबसे पहली बार उसका क्वेश्चन हम लोग मंडे को लेंगे, तब तक आप पूरा बना कर रखिए। ठीक है, सुन लिए सब लोग? सब लोग सुन लिए? सॉलिड स्टेट क्वेश्चन कंप्लीट करिए सब लोग, जल्दी से जल्दी। और जहां जहां दिक्कत हो नोट करके रखिए कि यहां यहां तक मुझे दिक्कत है। हम लोग आज आज कौन सा दिन है? थर्सडे है लगता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपको चार दिन इधर कह के दे रहे हैं और दो तीन दिन पीछे दे चुके हैं। ठीक है, और उसको डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दो दिन में। धाड़ 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 धाड़। ठीक है, और आइसोमेरिज्म हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। किताब आप लोग हिमांशु पांडे खरीद लिए हैं? हाँ, सॉलिड स्टेट का डिस्कशन होगा। कौन दिन रहेगा? मंडे से। और मंडे से तेजी से खत्म कर लेंगे, एक से दो क्लास बैठेंगे सब खत्म कर लेंगे। समझ रहे हो? स्टार्ट करें। आप लोग ज्वाइन इतना करते हो ना, टाइम लेते हो ना ज्वाइन करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज किताब मुझे घर पे रह गया, डिस्कशन नहीं होगा। आज आपका थ्योरी होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक का बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह वाला जितना क्वेश्चन है सब आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। थोड़ा बहुत बाकी होगा, कल उठा के खत्म कर लेंगे। आज हम लोग सीखेंगे मेटामेरिज्म, एंड मेटामेरिज्म के बाद हम लोग सीखेंगे टाउटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म बोल कर देखो तो दोनों, मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मेटामर्स किसको कहते हैं? दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, those structural isomers
हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached with bivalent or trivalent functional group, bivalent or trivalent functional group. Bivalent or trivalent functional group. Bivalent or trivalent functional group. For example, CH3, CH2, or CH2, CH3 है and CH3O, CH2, CH2, CH3 है. आप अगर गौर से इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो ये आपको पता चल जाएगा. आप अगर गौर से इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है. दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो तो है. 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4 फोर कार्बन एटम्स, दोनों में चार कार्बन एटम्स हैं. हाइड्रोजन 3, 3, 6, 4, 10, 3, 3, 6, 4, 10 एंड 1 ऑक्सीजन. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है बिकॉज दिस टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. Those structural isomers having different number of carbon atoms chain. Carbon atom chain यहां देखिए दो का है, यहां दो का है, लेकिन यहां कितने का है? एक का है और तीन का है, बदल गया. तो यहां दो एंड दो, टू एंड टू का है, और यहां वन एंड थ्री का है. और ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के मेटा मर्ज हुए. ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर्स हुए. ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर्स हुए. ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर्स हुए. इस तरह से आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं. जैसे इसको देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. एक और कंपाउंड बनाइए इसी का, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3. फंक्शनल ग्रुप सेम है, इन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज स्ट्रक. लेकिन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है और यहां तीन कार्बन है. इस केस में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तीन कार्बन है और यहां एक कार्बन है. मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको चेंज करेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? मेटामर्स कहे जाएंगे. चलिए नोट किया जाए एग्जाम्पल. एग्जाम्पल को नोट किया जाए
सेकंड में नंबरिंग इट, नंबरिंग का क्या यह मतलब है, नाम थोड़े ही हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा, हम लोग नाम थोड़े ही लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल बस आपको यह देखना है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, और उस फंक्शनल ग्रुप में कम से कम देखिए बाइवैलेंट लिखा हुआ है, यानी कम से कम दो ग्रुप जुड़ने चाहिए, इन दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम बदल जाने चाहिए, जैसे यहां 2 and 2 है, फिर हम 1 and 3 कर दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए आप, ये यहां से जुड़ा हुआ 1 है, लेकिन यहां से जुड़ा हुआ कितना है, 3 है, बदल गया, किसी एक साइड भी बदल जाए तो ऑब्वियसली दूसरे साइड बदल जाएगा, ठीक है। किसी एक साइड अगर बदल गया, इधर ही 3 कर दिया तो उधर ही से ना आया तो इधर तो बदल ही जाएगा। आसिफ, आसिफ नीलू, और क्या हो सकता है पीयूष, और नहीं हो सकता है। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 लिखा हुआ है, 1 और 3 लिखा हुआ है, और 0 4 लिखेगा तो अल्कोहल हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना है आपको, आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं बदलना है, तो इस तरह से लिखना आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे, यस, अगर फंक्शनल ग्रुप आपको चेंज कर जाए तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आ जाए। पीयूष, एक इस कंपाउंड में बताइए तो क्या रिलेशन है, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है,
आस्था पहला जवाब आपका गलत था, स्वाति आपका भी गलत था, विजय आपका ठीक है, निखिल राज ठीक है, आस्था बाद में आप सॉरी बोल दिए हो, सॉरी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, सॉरी आप करेक्ट हो, आस्था आप बोलते हो दोनों ठीक है, आदित्य सेम है बोल रहे हो, सेम मत बोलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिकल बोलने का आदत डालिए, क्योंकि वहां सेम नहीं चॉइस में रहेगा, वहां आइडेंटिकल रहेगा चॉइस। कुमुद आप गलत हो, पीयूष आप भी गलत हो, छवि आप भी गलत हो, आस्था अब आप सही एक्सप्लेन कर रहे हो, शशांक सेम है, आइडेंटिकल बोलना शुरू करिए, सौरव ठीक है, दोनों में कार्बन एटम कहां चेंज कर दिए, रिचा बढ़िया से देखो, रिचा पीयूष मेटा मेरी जब नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सेम है वो तो ठीक है सबको दिख रहा है, ज्योति सेम है ठीक है, नहीं एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है कंपाउंड, कंपाउंड एक दूसरे के अपोजिट होता है रे, दुश्मन है क्या, शशि सुमन पोजीशन गलत जवाब, अंकुश क्या अंकुश क्या क्या सोच लेते हो, छवि आपका गलत जवाब था, फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछ रहा हूं निशा सी, मैं कंपाउंड का रिलेशन पूछ रहा हूं, हाँ साकिब चेन आई से मेरी जम, खाना नहीं खाए आज, छवि आइडेंटिकल है, ज्योति आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, मिरर इमेज है, अरे प्रिंस बहुत आईना देखने लग गए, अरे हैं आईना देखे के रहेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज माने दो, वहां खूब आईना दिखवाएंगे, नीलू आइडेंटिकल, सिद्धि आइडेंटिकल, प्रियांशु आइडेंटिकल, आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल, और किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, चलिए अब वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो मेटामेरिज्म शो करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, लिखे फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत छोटा टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, तो अभी बरसात हो रहा है, मैं जब आपके उम्र में था तो इसी नाम का एक मूवी आया था और वो बहुत हिट किया था, मूवी का नाम ही था बरसात, आप लोग देख लिए होंगे शायद, देख लीजिएगा हमारे जमाने का मूवी, आगे बढ़े, अरे हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है कोचिंग की तरफ, देखो वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स शोइंग मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स शोइंग, फंक्शनल ग्रुप शोइंग मेटामेरिज्म, हाँ बॉबी देओल उसमें हीरो है,
चलिए फंक्शनल ग्रुप वो कौन कौन से हैं जो मेटा मेरिजम आपको शो करेंगे। पहला ऑक्सीजन लगा दीजिए, दूसरा सल्फर लगा दीजिए, तीसरा ईस्टर लगा दीजिए, चौथा लगा दीजिए, पांचवा दोनों जगह कार्बन बदल दीजिए, छठा 2 डिग्री अमाइन ले लीजिए, सातवां 3 डिग्री अमाइन ले लीजिए, आठवां सल्फर ईस्टर ले लीजिए, नौवां कीटोन ले लीजिए, दसवां नौवे में आज तक लड़ाई चल रहा है, अनहाइड्राइड ले लीजिए। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है जो आपको मेटामेरिज्म शो करते हैं, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है जो आपको मेटामेरिज्म शो करते हैं। नोट कर लीजिए, इसमें एक जो मैं स्टार लगाया हूं वो एम्बिगुअस केस, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जो एक्सेप्शन में नोट कर लीजिए। जैसे ये कंपाउंड देखिए, CH3 CO CH2 CH2 and CH3 CH2 CH2 and CH3। अगर आप इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, सीख लीजिए सब लोग, अगर आप इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो आपको बस लगेगा कि अरे हाँ ये पोजीशन खिसा कर यहाँ आ गया, ये पोजीशन खिसा कर यहाँ आ गया, तो ये तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये सही बात, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। फिर कहिएगा कि सर मेटामेरिज्म का डिफिनेशन भी तो यहाँ करेक्ट है, वो क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको चेंज करने से, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 2 है और यहाँ 2 है, तो ये तो मेटामेरिज्म भी है। और इसीलिए आप मेटामेरिज्म भी शो करेगा, इसीलिए आपको ये क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म भी शो करेगा, इसीलिए आपको ये क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म आपको शो करेगा, क्या शो करेगा आपको, मेटामेरिज्म शो करेगा।
और कोई दिक्कत? प्रिंस, क्या लिखना चाह रहे हो आप? हाँ, ये एक दोनों में रखा जा सकता है। और मैं इसका एक बात और बता दूं, आज भी बहुत बड़े बड़े ज्ञाता लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसको मेटामेरिज्म हम नहीं ले सकते। अरे बेटा, मेटामेरिज्म का डिफिनीशन जो दिया गया था वही तो यहाँ है। डिफिनीशन लगा कि नहीं लगा? तो डिफिनीशन लगा तो मेटामेरिज्म हो गया। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन ट्रूली लगा कि नहीं लगा? लगा तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हो गया। अब कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बेटा, कोई एक चीज दो एंगल से देखिएगा तो दो चीज नहीं पता चलेगा आपको। कोई कहेगा कि ये प्लास्टिक है सर, तो हाँ प्लास्टिक तो आई है, प्लास्टिक का बना हुआ है कि नहीं बताओ तो। दूसरा कहेगा कि सर ये मार्कर पेन भी है, हाँ मार्कर पेन तो है। अरे अलग अलग एंगल से ही चेक करिएगा, डिफिनीशन ही आप बदल लीजिएगा तो दोनों तो होगा ही इसमें। इसीलिए कभी कभी ऐसे केस भी आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे किताब में भी इसके बारे में गलत लिखा हुआ है, ठीक है? आप इसको यही पकड़कर चलिएगा, ठीक है? मेटामेरिज्म आपको इस तरीके से खत्म हो गया, ठीक है? एक क्वेश्चन करके देखिए तो आप लोग के लिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, देखना शुरू करिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल acyclic ester, phenol that can show metamerism. दो क्वेश्चन में बांट दिए, करके देखिए तो। और नॉन लिविंग भी है, सॉरी बहुत सोचते हो, ये तो मैं नहीं सोच पाया था कि वो नॉन लिविंग है।
बना लिए, चेक किया जाए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सबसे छोटा इसको कर दीजिए। एक कार्बन को इधर ले आइए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, जुड़िए, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन है तीन और छह प्लस दो ऑक्सीजन, छोड़िए, छह छह बारह और चार, इसमें किसी को डाउट हो फंक्शनल ग्रुप में बदल दिया, जुनैद फंक्शनल ग्रुप में कहा बदला बताओ, ये आपका क्या है और ये आपका क्या है जुनैद, कार्बोजेलिक एसिड कैसे होता है, कार्बोजेलिक एसिड ऐसे होता है, देखो तो ये दोनों सेम कंपाउंड है जुनैद, कार्बोजेलिक एसिड नीचे वाला ना है, और भी किसी को दिक्कत है, ए में और भी किसी को दिक्कत है, क्या विजय 88 लिखते हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, बी का सही सही करिए, आपको मौका दे रहे हैं एक मिनट, बी को सुधारिए, बी में नहीं चलेगा कि सर हाँ अरे फिर से मिस्टेक हो गया सर, तो डिस्कस करें बी पार्ट, कीटोन, एक ऐसा कीटोन लिखना है जो मेटा मेरिजम शो करे, यही है आपका क्वेश्चन, तो मेटा मेरिजम शो करने के लिए
सबसे छोटा कीटोन ये होना चाहिए। मेटामेरिजम शो करने के लिए सबसे छोटा कीटोन आपको यह होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब इसका देखने देगा 1, 2, 3, 4, 5 60 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है 16 हो जाएगा, 3, 3, 6, 4, 10 86 हो जाएगा। लगा दिए ना छवि, छवि चलिए लिखिए टॉटोमेरिजम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम का लास्ट टॉपिक टॉटोमेरिजम। लिखिए टॉटोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है। किसका आदित्य, किसका स्ट्रक्चर आदित्य? यस, आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछे हो। देखो बेटा, मुझे स्मॉलेस्ट कीटोन कहा गया था, अगर मैं इस कीटोन को लेता ठीक है, तो इसका मेटामर बनाने के चक्कर में मुझे आखिरी मेटाबल बॉन्ड को लेकर जाना पड़ता, और ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो मुझे क्या कहा गया है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज करना चाहिए, इसीलिए तीन कार्बन वाला नहीं होगा। अब आ गए चार कार्बन में, 1, 2, 3, 4। कोई कहेगा कि यहां पर लिखिए सर और अगला वाला में यहां पर ले जाइए, बेटा ये दोनों तो सेम है आदित्य, ये दोनों तो सेम है कि नहीं? यानी चार कार्बन भी मेरा जवाब नहीं। एक कदम और आगे बढ़िए, पांच कार्बन में चॉइसेज है यहां लाना। है कि नहीं? समझ गए? ये एक्सपीरियंस से आता है ठीक है। आप पहली बार कर रहे हो और मैं एक्सपीरियंस जो बढ़े, हेडिंग बनाइए टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इट इज, चलो लिख लेते हैं, समझ लीजिए, हाइड्रोजन एक्स
वाई जेड। देखिए कंपाउंड के अंदर में क्या खुशबू, दोनों होगा सर पांच कार्बन में। लो बेटा दोनों होगा नहीं, मेटामेरिज्म क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में होगा, जब कम से कम दो रहेंगे, वो दोनों कंपाउंड के बीच के रिलेशन को मेटामेरिज्म कहा जाता है। और कंपाउंड वन टू का मेटामर है और टू वन का मेटामर है। खुशबू, खुशबू कंपाउंड वन टू का मेटामर है और टू वन का मेटामर है। हो गया। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक, अब क्या क्वेश्चन है, अरे स्मॉलेस्ट वही है, दोनों हैं, स्मॉलेस्ट दोनों है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बढ़िया से देखो, क्वेश्चन ये था ही, हाँ स्मॉलेस्ट में दोनों लिख सकते हो, हाँ खुशबू स्मॉलेस्ट में दोनों लिख सकती है। और कुछ खुशबू, चलिए बहुत अच्छा। तो क्या मैं अब प्रोटोमेरिज्म स्टार्ट कर सकता हूं, किसी को और भी दिक्कत है मेटामेरिज्म में तो बोल लीजिए। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूं, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, कोई एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप होगा, इस तरह से कुछ एटम होंगे, कुछ एटम एक्स होगा, कुछ वाई होगा, कुछ जेड होगा, और इसमें एक इस तरह का मतलब मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहां आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और बने गए हैं आपको एक्स डबल बॉन्ड वाई और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आया है वो हाइड्रोजन को जोड़ने में काम आएगा। यस ये थोड़ा अजीब टाइप है लेकिन इसी को टॉटोमेरिज्म कहा गया। ये थोड़ा अजीब टाइप है लेकिन इसी को टॉटोमेरिज्म कहा गया। अरे अभी मैं शुरू किया हूं, फिर से लग गया। देखो यार ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है। टॉटोमेरिज्म इज अ फेनोमेनन इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम टू द अदर हाइड्रोजन एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। टॉटोमेरिज्म इज ए फेनोमेनन इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम
to the other hydrogen atom in the same bond. कैसे हो गया सर, क्यों हो गया सर, ये सब अब मैं बताऊं। पहले बताइए ये पचा कि नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में किसी एक एटम से हाइड्रोजन को निकलकर दूसरे एटम में जुड़ जाने को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। उसी मॉलिक्यूल के अंदर में एक हाइड्रोजन से निकलकर दूसरे हाइड्रोजन एटम में जुड़ जाने को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जुड़ जाने को क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। राजानंद 10 बार लेफ्ट आउट करोगे, 10 बार लेफ्ट इन करोगे तो कहां से पता चलेगा, हमेशा तो लेफ्ट इन लेफ्ट आउट ही करते रहते हो और 11 वाला बैच में जाकर तुम क्या करते रहते हो। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखा जाए, इट इज दी माइग्रेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम of the molecule to other atom in the same molecule। सिंपली एक जगह से निकलना है और दूसरी जगह जाकर के जुड़ जाना, एक जगह से निकलना है और दूसरी जगह जाकर के जुड़ जाना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। अरे अभी खाली डेफिनेशन बताएं बेटा, एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिए हैं, ये जस्ट मुझे ये केवल बताना है कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से निकलना है और उसी मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे एटम पर जाकर जुड़ जाना है। कोई दिक्कत? अब इसका हम रियल रूप थोड़ा सा बताते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टीज, पहले प्रॉपर्टीज समझिए तो इसका कुछ फीचर आपको समझ में आएगा, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल जानकारी होगा। सबसे पहली बात, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के टॉटोमर्स कहे जाएंगे और ये टॉटोमर्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। पहली बात, टॉटोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। टॉटोमर्स कौन हुए, यही आपको टॉटोमर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, टॉटोमर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, टॉटोमर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, टॉटोमर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, टॉटोमर्स हो गए। ठीक है, इन दोनों की क्वालिटी क्या है, पहला क्वालिटी कि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एग्जांपल मैं लूंगा, बहुत एग्जांपल और बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रखेगा।
दूसरी बात, ये जो साइन दिया गया है ये साइन ऐसा है, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड हाफ एरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, विच मीन्स दीज टू कंपाउंड्स, ध्यान से सुनिएगा, दीज टू कंपाउंड्स इन द गिवन मिक्सचर, दीज टू कंपाउंड्स इन ए गिवन कंटेनर फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, विच मीन्स ये आपको इधर भी जाएगा और ये आपको इधर भी आएगा, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी आएगा। इनको लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लैंग्वेज में डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब ये एनी टाइम अगर 100 मॉलिक्यूल इधर गया, एट द सेम टाइम 100 मॉलिक्यूल आपको इधर भी आए और ये चलते रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप कहेगा कि हम रोक सकते हैं, एक चीज बताओ, आप अपने बाल को बढ़ने से रोक सकते हो क्या, बता दो हमको, नहीं रोक सकते हो। इसका लॉजिक कहां से आया, इसका लॉजिक आया थर्मोडायनेमिक्स में, और वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ा हुआ और जल्द ही वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, समझ गए। तो मैं आपको बता दूं, आप एक ऐसा हालात यहां होता है कि कंटेनर में अगर आप केवल इसको रख दोगे, पता करते कि ना ना मुझे केवल यही है मेरे हाथ में, इसी को मैं कंटेनर में ले जाकर रख दिया, थोड़े देर अलाउ करो, आपको पता चलेगा कि कंटेनर में ये भी है और वो भी बन गया। कैसे, तो इसका कुछ पार्ट उसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका उल्टा सोचिए, कंटेनर में आप इसको खाली रखिए, पता कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया दुनिया का जो साइंटिस्ट मेथड डेवलप किया उसे पता कर लीजिए कि नहीं, मेरे मुट्ठी में केवल यही वाला है, इसी को मैं कंटेनर में रखा हूं। आधा घंटा बाद आप चेक करिए, आपको पता चलेगा कि उस कंटेनर में ये भी है और ये भी। मतलब इससे इसको बनने में और इससे इसको बनने में दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रोक सकता है। हाँ प्रियांशु कुमार, तुम्हारा तो बुद्धि बहुत विकसित कर गया है, ठीक है। इसको इसमें आने से नहीं रोका जा सकता है और इसको इसमें जाने से नहीं रोका जा सकता है। केवल इसको लीजिएगा तभी थोड़े देर बाद ये बन जाएगा और केवल इसको लीजिएगा तभी थोड़े देर बाद ये बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इसके नाम पर दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, जो आपको पढ़ना बाकी है। यस आदित्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे। उसमें जाने से पूरे सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, उसमें जाने से पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, कैसे मत पूछिएगा विकल, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन होता है, ठीक है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट। चलिए इसमें लिखेंगे हम लोग टाउटोमर्स ऑलवेज रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, टॉटोमर्स ऑलवेज रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, हमेशा ही कंटेनर में ये है तो ये भी रहेगा, ये है तो वो भी रहेगा, लेकिन कोई एक कम रहेगा और कोई एक ज्यादा रहेगा, क्यों कम होगा और क्यों ज्यादा होगा, बस इसी को इस चैप्टर में पढ़ना, समझ गए, समझ गए। चलिए थर्ड पार्ट,
हाइड्रोजन एटम माइग्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस आई। कई बार मैंने देखा है, खास करके एक सेकेंड, हाँ मैं आपको यही कह रहा हूं कि छोटे मोटे एग्जाम को छोड़ दीजिए, आईआईटी इस चीज में कई बार पूछा है क्वेश्चन कि टॉटोमेरिजम में हाइड्रोजन कैसे माइग्रेट करता है। तो टॉटोमेरिजम में हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में माइग्रेट करता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक दूसरे के ट्रू आइसोमर्स कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में उठेगा, ट्रू सर आज बोल दिए हैं तो एक दिन तो सर फॉल्स भी बोलेंगे। यस, आइसोमेरिज्म कहीं आखिरी में एक ऐसे आइसोमर्स आएंगे जो फॉल्स आइसोमर होते हैं और उसको स्यूडो आइसोमर के नाम से जाना जाता है। बहुत सोच लिए पीयूष, देखो यार एक एक चीज लोगों का मैं जवाब दूंगा। जैसे पीयूष का कहना है कि इन दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको तो फंक्शनल ग्रुप में कैटेगरी माना चाहिए था। नो, इसलिए क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, एक कंपाउंड दूसरे में और दूसरे पहले में इंटरकन्वर्टिबल नहीं होता है, वो इंटरकन्वर्ट नहीं हो रहा होता है। लेकिन इस केस में आप सोते रहते हैं उस समय भी ये एक दूसरे में, ये इसमें और ये इसमें हमेशा आते जाते रहते हैं, समझ गए, यही बस फर्क है। पीयूष, पीयूष ये इंटरकन्वर्टिबल होता है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इंटरकन्वर्टिबल नहीं होता है, यही बस बड़ा फर्क है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैं आपको ये बता रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रू आइसोमर्स के कैटेगरी में लिए जाते हैं। तो आपके मन में आएगा कि सर यस सिर्फ एच का माइग्रेशन होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल, आई विल शो यू लेटर। इसी टॉपिक में सारा चीज पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, रेजोनेंस इतना बड़ा है। हाइड्रोजन एटम जो है आपको एच प्लस के फॉर्म में माइग्रेट करता है, मैं करके आपको दिखाऊंगा विद मैकेनिज्म। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रू आइसोमर्स क्यों है। ये ट्रू आइसोमर्स इसलिए है क्योंकि ये दोनों भले ही एक कंटेनर में होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपाउंड को पहचानना चाहता हूं कि मेरे कंटेनर में ये वाला कंपाउंड मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए सुटेबल केमिकल रिएजेंट जब उस कंटेनर में डालिएगा तो ये कंपाउंड आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा और आपको ये कंफर्म करेगा कि मैं इस कंटेनर में मौजूद हूं। एंड सिमिलरली जब आप उस कंटेनर में इस कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए जब सुटेबल अप्रोप्रिएट केमिकल रिएजेंट जब इसमें ऐड करिएगा उस कंटेनर में, तो आपको ये कंपाउंड पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करके ये कंफर्म करेगा कि हाँ मैं भी इस मिक्सर में मौजूद हूं, यानी कि इन दोनों का एग्जिस्टेंस उस कंटेनर के अंदर में है और इसीलिए इन दोनों को ट्रू आइसोमर्स कहा गया है। इन दोनों को क्या कहा गया है? ट्रू आइसोमर्स। दो बार छींक आया, कोरोना में ही। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? ट्रू आइसोमर्स कहे जाएंगे, ठीक है।
और इस चैप्टर के आखिरी में एक आएगा उसमें हम लोग स्यूडो आइसोमर्स पढ़ेंगे। अब जो जहां पढ़ना है ठीक है, इसलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, दे आर टू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर True isomorph each other and they can be separated. इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अरे पीछे वाला सारा ट्रू है बेटा, पीछे जितना पढ़े हो ना प्रियांशु सारा ट्रू है, लेकिन उन सब में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन यहीं पर आएगा टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन में ही ये लिखा रहेगा कि ये ट्रू आइसोमर है कि नहीं, ये स्यूडो आइसोमर है क्या, इस तरह से लिखा रहे, समझे। जहां पर जिसे आप आपको अभी लग रहा है शुरू किया हूं मैं, जब पूरा पढ़िएगा तब ना उसमें कन्फ्यूजन अराइज होगा। पूरा पढ़ने के बाद चीजों को लोग जितना डीपली जानते हैं ना उसमें उतना ही ज्यादा उनको कंफ्यूजन भी होता है। अभी आप जानना शुरू किए हो, जाहिर से बात है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही। प्रियांशु, प्रियांशु ये चारों प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लीजिए ठीक है, और मैं एक मिनट में आ रहा हूं थोड़ा वॉशरूम से। चलिए नोट कर लिए, तो टॉटोमेरिज्म का कुछ प्रॉपर्टी जाने, जो जानना है उतना मैं आपको बता दिया। पहला चीज कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, दूसरा चीज ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तीसरा चीज इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है लेकिन कभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं लेते हैं, तीसरा चीज इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है ठीक है, और सेपरेट करके इनको टेस्ट भी किया जा सकता है केमिकली, चौथी बात कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस माइग्रेट, यही चार बात आप बेसिक में ध्यान रखिएगा ठीक है। लिखिए टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली तो कीटो इनॉल ही हमें पढ़ना है लेकिन यूज एक तरह का एक दो तरह का और भी आगे जब कोर्स बढ़ेगा तो उसमें होते रहेंगे।
चलिए बढ़ेंगे, लिखिए टैब्स। टैब्स में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले को इसको कहते हैं कीटो इनॉम टॉटोमेरिज्म, यही सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। 10 बार में आपको 9 बार यही यूज होगा कीटो इनॉम टॉटोमेरिज्म। इसको MI लिख दीजिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीटो इनॉम टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि CH3 एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, कीटो का मतलब होता है यहां अल्डिहाइड और कीटोन बोथ। अल्डिहाइड एंड कीटोन को कलेक्टिवली कीटो कहा गया, मतलब साइंटिस्ट लोग तो पुकार रहे हैं वही हम लोग भी सीख गए। अल्डिहाइड एंड कीटोन को कलेक्टिवली क्या कहा गया है, कीटो कहा गया। और इनॉल जो आपका होता है उसमें इन प्लस ओल होता है, इन कहा गया है अल्कीन को और ओल कहा गया है अल्कोहल। ठीक है, तो यहीं से आपको इन आया है और यहीं से आपको ओल आया, इन्हीं को जोड़कर इनॉल बनाएंगे। तो आपको जो कीटो कंपाउंड होगा वो कीटोन भी हो सकता है या अल्डिहाइड भी हो सकता है। तो मैं यहां एक अल्डिहाइड ले लिया, इसको कीटो भी आप कर सकते हैं, कीटो नॉट कीटो। ठीक है, इसमें बस आपको ये करना है HCH2CH2 रिकॉल करिए XYZ, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या बनेगा आपको CH2 double bond CH and OH। ठीक है, यहां देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इन कार्बन से जुड़ा हुआ OH है, इसलिए और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड, बाकी का नाम वगैरह जानने का जरूरत नहीं है, बाकी में खाली ये जाना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है से आपको काम हो जाएगा। जैसे कि इसको देखिए HCH2N2O, CH2 double bond CH NOH, HCH2N2O oxygen। CH2 double bond NOH। HCS2 ये सब कुछ कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, HCC double bond N। क्या बनेगा आपको CH2 double bond C double bond NH। एक वेरी स्पेशल है HCN and HNC, जो मेडिकल के एस्पिरेंट है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां ज्यादा आया किया है, जो मेडिकल के एस्पिरेंट है उनको ये ज्यादा आया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा,
इसका नाम है HCl और HH इसको कहते हैं हाइड्रो साइनिक एसिड और इसको कहते हैं आइसो हाइड्रो साइनिक एसिड। मेडिकल में मैंने देखा है इसको, आप इंजीनियरिंग में कम आए। तो आपको रोज कौन यूज होते रहेंगे? रोज आपको यही वाला यूज होता है, ठीक है, इसी को मेनली याद रखिए, ये आपको रोज यूज होता है। देखो बेटा, पहला जो है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिजम और दूसरा कीटो इनॉल नहीं है, कीटो इनॉल नहीं है, कीटो इनॉल नहीं है, कीटो इनॉल नहीं है, कीटो इनॉल केवल पहला वाला है। प्रियांशु कुमार, कीटो इनॉल केवल पहला वाला है, जवाब दो। शाकिब, 5 में टॉटोमेरिजम कैसे हुए? बस हो गया, इसके पास लोन पेयर होता है, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है और यहां आ जाता है और यहां पर फिर लोन पेयर रह जाता है। ये वेरी स्पेशल है, इसीलिए इसको मैं अलग से लिखवा दूं। हाइड्रोजन एक ही है ना बेटा, यहां छवि हाइड्रोजन एक ही है, तो इसीलिए एक ही हाइड्रोजन रहेगा, या तो कार्बन से जुड़ेगा या तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, या तो कार्बन से जुड़ेगा या तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ये हुआ कुछ चेहरा, इतने तरह के टॉटोमेरिज्म एग्जाम में आते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा आपको ये आए। मेडिकल में कभी कभार इसको देखने को मिला है कि यह टॉटोमेरिज्म एग्जाम्पल है कि नहीं है, खाली इतना देखना होता है। हम लोग तो रटे हुए कि ये टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, काम हो गया। बढ़े, लिखिए मैकेनिज्म। अभी धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा जानोगे, एक एक चीज मुझे बताने दीजिए, तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि ऐसे इसमें होता है। मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म जब आना शुरू हो गया है तो मैकेनिज्म अब आपको आते रहेगा। वैसे आइसोमेरिज्म में मैकेनिज्म कम आता है, टॉटोमेरिज्म में मेनली आता है, लेकिन जब हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में जाएंगे तो हम मैकेनिज्म करके आपको अक्सर आते रहेगा। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज डिटेल जब हम बताते हैं कि जैसे जब कोई प्रोसेस होता है, जैसे अगर हमसे कोई पूछ देगा, सिंपली मैं कह रहा हूं, हमसे अगर कोई पूछ दिया या आपसे कोई पूछ दिया कि सवेरे उठ करके सोने तक में आप क्या क्या किए, सवेरे आप उठ करके और रात में सोने तक आप क्या क्या किए, यह मुझसे अगर पूछ दिया जाए तो मैं क्या क्या बताऊंगा?
मैं क्या क्या बताऊं, मैं बोलूंगा कि मैं सवेरे उठा, इतना बजे मैं उठा, उसके बाद मैं बाथरूम गया इतना बजे मैं ब्रश किया, इतना बजे मैं नहाया, इस टूथपेस्ट से ब्रश किया, इस साबुन लगा के नहाया, ये शैम्पू लगा के नहाया, नाश्ता किया इतना बजे, मैं नाश्ता में ये खाया वो खाया वो खाया, फिर मैं कोचिंग के लिए निकला। कोचिंग में आया तो वहां दो लड़के बैठे हुए थे, उनको मैं ये क्वेश्चन बताया, उसमें मुझे 20 मिनट लग गया। उसके बाद मैं क्लास लेने चला गया, क्लास मेरा डेढ़ घंटे का एक था, मैं इतने बजे लेकर के क्लास निकला तो भूख लगा हुआ था, मैं फिर से खा। ये सब डिटेल जो आप बताते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको मैकेनिज्म कहा जाता है। स्टेप वाइज डिटेल बताइए, स्टेप वाइज डिटेल बताइए, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और उसमें हो क्या रहा था। इन सभी चीजों को जब हम डिटेल में बताते हैं तो हम कहते हैं कि हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। क्या कहते हैं हम लोग बेटा, कि मैकेनिज्म बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म बता रहे हैं। क्या टाइम कितना को, टाइम कितना और बाकी है बेटा, कोई बता सकते हो क्या? ओ, आप लोग के पास घड़ी नहीं है क्या? पांच मिनट और पढ़ाना है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब हम किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में रिसर्च करके, जैसे कोई रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आएंगे, किसी में 10 स्टेप जाएगा, किसी में 15 स्टेप जाएगा, और ये सारे स्टेप्स आपको याद करने होंगे, ये सारे स्टेप्स आपको इन्फॉर्मेटिव होंगे जो किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके दिए हैं, और वो उस रिसर्च को देने की वजह से वो नोबेल प्राइज ले गए हैं और पूरा दुनिया को बोझ देकर चले गए। ऐसे ऐसे अराउंड 40 to 50, ध्यान से सुनिएगा, 40 to 50, यानी 40 से 50 नेम्ड रिएक्शन आपको जानने होंगे, जो कि वन बाय वन करके आपको ऑर्गेनिक में चलते चलते आते चले जाएंगे, और ये सारे रिएक्शन विथ स्टेप, किस स्टेप में क्या हुआ और यही क्यों हुआ, इन सभी डिटेल को जानते हुए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना होगा। ये तो केवल नेम्ड रिएक्शन हुए जिनको रिसर्च देने के बाद साइंटिस्ट नोबेल प्राइज लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में नोबेल प्राइज खूब बांटा गया, आपको नहीं मिलेगा, घबराइए नहीं, और आपको खुश होने की जरूरत भी नहीं, आपको नहीं मिलेगा, अभी मुझे लग रहा है, हो सकता आगे मिल जाए आपको, ठीक है। तो उसमें डिटेल स्टेप वाइज हम बताते हैं कि पहले ये करना है, फिर इसमें ये अटैक हुआ, फिर इसमें ये अटैक हुआ, फिर इसमें ये अटैक हुआ, और इसी को हम लोग मैकेनिज्म करके बताते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म जल्दीबाजी का चीज तो है नहीं, इसको मैं कल आपको यहां पर से लूंगा, मेरे डेस्कटॉप में आ गया है कि 5 मिनट में आपका दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, सॉलिड स्टेट बना लीजिएगा, मैं मंडे से 2-3 लगातार आपको डिस्कशन करके सॉलिड स्टेट खत्म कर दूंगा। बाद में मत बोलिएगा कुमुद वर्मा कहां हो, बाद में मत बोलिएगा कि सर इतना ही बनाए हैं, समझ गए। आपको मैं टाइम कम नहीं दे रहा हूं, सोमवार से लेके अगला सोमवार तक आपको मैं टाइम दे रहा हूं, मतलब पिछला सोमवार जो बीत गया वहां से लेके अगला मैंने इतवार तक हम आपको टाइम दे रहे हैं। बाद में मत बोलिए कि सर टाइम नहीं दिया, आराम से बनाइए और हम लोग उसको मंडे को उठाएंगे। वैसे कल हम लोग उठाएंगे इसको, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो बच गया तो उसको खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी ज्यादा नहीं लेंगे, 20 मिनट से ज्यादा नहीं। थैंक यू ऑल।